हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आपका रेशनल नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 4 का बी बताएंगे आपको। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 4 का बी है इसमें आपको अब बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर अंदर नंबर लाइन। जितने भी रेशनल नंबर हैं उसको किसमें रिप्रेजेंट करना है आपको, नंबर लाइन पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर लाइन क्या है आपका। नंबर लाइन नॉर्मली हम समझते हैं नंबर लाइन क्या होता है, जानते हैं आप पहले से ही। देखिए ये आपका नंबर लाइन, ठीक है। इसमें अगर आपको दर्शाना होगा तो जानते हैं कि जीरो के राइट साइड आपका क्या आता है, पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब जो भी दिए गए हैं रेशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, जैसे 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 1/3 लिख देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको अलग कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि ये अलग रहे अभी तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 1/3। 1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ नॉर्मली देखते हैं कि आपका ये जो डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, 1 देन 2 पार्ट में बांट देते हैं 1 2, क्योंकि 2 से तो अधिक होगा नहीं। अब यहाँ पर जो 1 है इसको 3 पार्टों में, मतलब 2 पार्ट बीच का और 1 पार्ट, कुल मिलाकर 3 पार्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप 1 लिखेंगे, इस पॉइंट को 1, इस पॉइंट को 2, तो 1 को लिखने का तरीका क्या है, 3/3 लिख सकते हैं। जब 3/3 लिख लेंगे 1 को, तो 3 1 3, मतलब 3 से कट कर 3 एक ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा 3/2/3। ठीक है, 2/3, ये 1/3। तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पहले यहाँ देख लीजिए, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये हमारा 1 है और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है जो दर्शा रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई है 1/3, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। और इधर अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा -1, इधर -2, इधर -3। ऐसे आप कर देंगे तो आपको विधिवत समझ में आ जाएगा, और जो भी आप लिखना चाहेंगे विधिवत वो समझ में भी आएगा सबको। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले डिनोमिनेटर देख लीजिएगा, और देखिए 1 को 3/3 लिखने का तरीका क्या था, कि अगर आप 1 3/3 लिखते हैं, 3/3, तो 3 में अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कन्फर्म हुआ। चलिए हम बात करते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 2/7 है आपका, 2/7 है। अब 2/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, 2/7 है आपका, इसको देखिए यहाँ पर क्या है आपका, 7 है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा 0 है पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो 0 आएगा, और यहाँ पर जो आएगा ये 1 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए 1, और यहाँ पर जो है ये 2। ठीक है, 1 2 आपको समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले बात करते हैं 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7/7 लिख सकते हैं आप, 7/7 हो गया। अब 7/7 को लिखने का तरीका क्या है, देखिए इसको 7 पार्ट में, मतलब 6 पार्ट और अंदर डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये अगला 7 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6/7, और ये वाला हो जाएगा 5/7, ये वाली पार्ट हो जाएगा 4/7। ठीक है, ये वाली पार्ट हो जाएगा 3/7, ये वाला हो जाएगा 2/7 आपका, ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्ट को देख रहे हैं, आपका 2/7 कौन सा है, ये वाली पार्ट। तो इस तरीके से सेकेंड वाला भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि 2/7 है आपका, ये भी तरीका एग्जैक्ट हुआ। अब इसको देखिए यहाँ पर जगह न होने की वजह से थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका 2/7 हो गया। अब चलते हैं आपका 7/3 में। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका 7/3। ये आपका मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आ जाता है 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और 2 से आगे भी बढ़ा देंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पर 7/3 है, आप इसको थोड़ा सा अगर काट के देखें तो 7 का मतलब 3 2 6, और आपके पास आ जाएगा क्या, 1/3। तो कुछ जान रहे हैं, ये 2 से अधिक जाएगा संख्या, 2 से अधिक आ रहा है, तो 2 से अधिक आपको बना लेना है ऐसे काट के चेक करके। ठीक है, जैसे ही काटेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ 2 से अधिक। तो 1 को अभी हमने बताया किस तरीके से, इसका डिनोमिनेटर चेक कर लेंगे, डिनोमिनेटर क्या था आपका, थर्ड वाले का 3 है, जो डिनोमिनेटर है कितना है, 3 है। तो 3 को ऐसा लिख सकते थे आप,
थ्री बाई थ्री, क्योंकि वन में आप जानते हैं थ्री बाई थ्री लिखा जा सकता है, यहाँ पर थ्री का मल्टीप्लाई टू टाइम तो सिक्स बाई थ्री। अब सिक्स बाई थ्री लिखेंगे या टू लिखेंगे बात वही, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, तो आपका सिक्स बाई थ्री हो गया। तो यहाँ पर आपका अगला पार्ट जो होगा वो सेवन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप हटा सकते हैं इसको, हाँ, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें कितने कितने की वैल्यू बटेगी, यहाँ पर देखिए फोर बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स, ये आपका फोर बाई थ्री हो जाएगा, ये आपका फाइव बाई थ्री हो जाएगा, ये सिक्स बाई थ्री और ये सेवन बाई थ्री, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर करना चाहेंगे तो इस तरफ माइनस वन कर दीजिएगा, माइनस टू कर दीजिए, ठीक है। तो आसानी से ये आपका पूरा का पूरा रिप्रेजेंट हो जाएगा, कौन था सेवन बाई थ्री, ठीक है। अब फोर्थ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। फोर्थ के लिए आप कुछ नहीं, आसानी से देखिए फोर्थ में क्या है, फोर्थ वाली वैल्यू है 22/7। जब 22/7 है आपकी वैल्यू, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे अभी सब देखे हैं आप वैल्यू, उसी तरीके से इसको भी देखना है, ठीक है। तो 22/7 को कैसे करेंगे, देखिए इसको काट लीजिए एक बार, 22 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 3 21, 1/7 अभी बच रहा है, तो डिनोमिनेटर 7 है और ये 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम 3 भाग में बांट लेंगे इसको। यहाँ पर मान लेते हैं आपका 0 है, इधर माइनस का 1 हो जाएगा इस पॉइंट पर, इधर 1 2 या 3 मान लेते हैं। तो 1 को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 3/3, अच्छा 7 लिख सकते हैं, 7/3। 7/7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 7 है, तो इसलिए 7 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को 7/7 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने के लिए आप 1 लिख दीजिए, इधर 2 लिख दीजिए, इधर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब कितने भागों में बांटना है, 7-7 भागों में बांटना है, 1 2 3, या फिर आप केवल काम अलग डर लगा दे जाइए, 3 4 5 6, फिर 3 हो गए, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6, 7 ये ऑलरेडी हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए इधर हो जाएगा हमारे पास 14/7, क्योंकि 7 2 14 हो जाएगा, ये हमारा 21/7, ठीक है। 7 3 21 हो जाएगा। अब जैसे ही कहा है क्या 22/7, तो अगली वाली जो संख्या आएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, 22/7, 22/7 हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं आपका 37/8। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6/7 कर सकते हैं, 5/7 हो जाएगा, ये वाला 4/7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/7, ये 2/7, ये 1/7, देन अगेन 0, और इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो आपका एक के बाद जानते हैं क्या आ जाएगा, हाँ, ये वैल्यू आपकी 1 है 7/7, तो 8/7, 9/7, ठीक है, उसके बाद 10/7, 11/7, 12/7 और ये 13/7, अगला 14 है ये है, उसके बाद 15, 16, 18, 19, 20, 1 मिनट, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हमारा 20/7 और ये 21/7। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और जो आप रिप्रेजेंट करना चाहें कर देते हैं, बहुत आसान है, एकदम विधिवत कर सकते हैं, कोई भी इस पर वैल्यू की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आइए अगला चलते हैं, पांचवा आपका, पांचवे में देखिए थोड़ा सा लाजवाब है रिप्रेजेंट करना, और आसान भी है, इसको कर सकते हैं। देखें क्या है पांचवा में, 37/8, ठीक है, 37/8 काट के देख लेते हैं कितनी अधिक वैल्यू तक जाएगी। तो काट लेते हैं, तो 8 4 32, 8 4 32 हो गया, और 5 7 2 7 हो जाएगा, 5/8, तो मतलब 4 से ये अधिक जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ा सा नंबर लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम अभी के लिए 0, और इधर -1, इधर -2 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी बड़ी वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। और हमको डिफरेंस लेना है 8 8 का, इसका मतलब बीच में 7 आएगा, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो थोड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। आपने आपको अब ऐसा पता चलेगा कि सर आपने 4 से अधिक क्यों लिया, ऐसा भी तो बात है कि आप 4 से अधिक क्यों ले रहे हैं। देखिए 4 से अधिक लेने का रीजन है कि जब से हम इसको काटा है, जैसे डिवाइड किया है 37/8 को, तो 8 4 32, यानी 8 4 32 आ रहा है, और उससे अधिक वैल्यू है, इसका मतलब 4 से अधिक है, तो आप ऐसे डिवाइड करके पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जब 8 डिनोमिनेटर है, तो बीच में 7 7 आने चाहिए, क्योंकि अगला 8 होगा,
वन को कैसा लिख सकते हैं, 8 बाई 1, क्योंकि 8 वन 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 16 बाई 8, यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 3 24 बाई 8, और 8 3 24, 8 4 32, 32 बाई 8 हो जाएगा। अब बीच में कितनी कितनी संख्या रखनी है आपको, 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि 8 अगला यही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगली क्या है आपको ये ध्यान देना है, 32 आ गया है, 33 34 35 36 37, तो 37 बाई 8 आप कर सकते हैं, इसको 36 बाई 8, इसको 35 बाई 8, इसको 34 बाई 8, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 33 बाई 8, लेकिन वैल्यू हमको चाहिए 37 बाई 8, अगर इसको यहाँ पर भी लिखना चाहेंगे तो 33 बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी आ जाएंगे, और इस वैल्यू को नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट, जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 37 बाई 8 को आप दिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत मजे तरीके से, ये आपका टोटल रिप्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, 5 हो गया आपका। छठा में क्या है भैया, छठा है आपका -1/3। -1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए -1/3 को करने के लिए कुछ नहीं है, ये माइनस का है तो इसका वैल्यू मतलब माइनस में जाएगा, तो बीच में यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 को हम क्या बताएं आपको, जैसे ये 1 है, यहाँ पर पॉइंट दर्शा देते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं और ये माइनस में रहेंगे। तो देखिए माइनस का 3/3 लिख सकते हैं, क्यों 3/3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 3 है इसलिए 3/3, 3 बन जाए 3, आपका माइनस का 1 ही आएगा, यहाँ पर 6/3 माइनस का 6/3 हो जाएगा, 3 2 6 माइनस में आ ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 0 ऑलरेडी है, ये पॉइंट है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 और ये माइनस का 2/3, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था, 1/3, तो 1/3। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत विधिवत तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए लाजवाब तरीका है। और इधर एक दो अगर पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं तो 1, 2 एंड 3 ऐसा भी कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। तो ये वैल्यू थी आपको रिप्रेजेंट करने का, और उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि हाँ यही वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी, ठीक है। तो चलिए 6 हो गया, आप 7 कर सकते हैं, ठीक है। 7 के लिए भी वही वैल्यू है, 7 में है आपका -3/4, ठीक है, -3/4 है। तो -3/4 को लिखने के लिए कुछ नहीं, देखिए ये हमारे पास वैल्यू अब 4 4 का लेंगे, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस, तो यहाँ मान लेते हैं हम 0, इस वैल्यू को मान लेंगे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेंगे 1, यहाँ पर मान लेंगे 2, आगे 3 ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको दर्शाना माइनस में है तो माइनस वाले पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और बीच में डिनोमिनेटर देख लेंगे, 4 है। डिनोमिनेटर क्या देखना है कि 4 है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, जैसा डिनोमिनेटर रहे वैसा काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर काम करते हैं, 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2, तो 1 ये आपका आ गया माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो इसको लिख सकते हैं आप 4/4, माइनस का 4/4, यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2/4 हो जाएगा और ये माइनस का 3/4। तो रिप्रेजेंट जिसको करना है उसी को आप करेंगे, जैसे माइनस का 3/4 है तो माइनस को 3/4 को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा देंगे कि हाँ यहीं पर -3/4 आएगा, बाकी सभी वैल्यू तो जैसा रहेंगे वैसे रहेंगे ही, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, अच्छा 7 भी हो गया, अब 8 पर चलते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब इसी को इरेज करते हैं केवल, ठीक है, नंबर लाइन को एसटी छोड़ देते हैं, 8 वाले में चलते हैं आपका, ठीक है। 8 वाला क्या है हमारा, माइनस का 12/7 है, ठीक है। अब माइनस का 12/7 है तो यहाँ पर कुछ नहीं, अब जो वैल्यू इधर रखनी थी हमको यहाँ पर 0 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमें 7 7 वैल्यू लेकर चलना है, तो ठीक है, तो 7 7 वैल्यू लेकर चलते हैं यहाँ पर, मतलब इसके बीच में संख्याएं 6 6 की डिवाइड होनी चाहिए,
तो पहले को हम मान सकते हैं क्या, सेवन बाई सेवन, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि जानते हैं जीरो के लेफ्ट जितनी भी संख्याएं आएंगी वो माइनस में होंगी, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन ये सिक्स और ये अगली वैल्यू सेवन, क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पर हमारा फोर्टीन बाई माइनस का फोर्टीन बाई सेवन ऑलरेडी हो जाएगा। हमको चाहिए कितना, माइनस का ट्वेल्व बाई सेवन, तो ये हमारा माइनस का थर्टीन बाई सेवन हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सा ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ट्वेल्व बाई सेवन लेकिन रहेगी माइनस में, ठीक है। और ये हमारा इलेवन बाई सेवन, टेन बाई सेवन, ये हमारे पास नाइन बाई सेवन, और अगली वैल्यू जो आएगी ये माइनस का एट बाई सेवन, सभी माइनस में रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, सभी माइनस में रहेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कहा है, तो ट्वेल्व को, तो ट्वेल्व को रिप्रेजेंट करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सभी वैल्यू पॉसिबल हुई, और इधर भी आप सेवन का डिवाइड करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, अगेन सेवन है ही, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट इसको भी कर सकते हैं, और एक दो संख्या एक दो ऐसा लिख सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा और सिस्टमेटिक भी लगेगा, ठीक है। इधर माइनस का वन माइनस का टू के बीच में आपकी आ गई माइनस का ट्वेल्व बाई सेवन, ये रिप्रेजेंट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौवे में, अब थोड़ा सा इसको इरेज ही कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब ये हमारे पास आ गया थर्टी सिक्स बाई माइनस का फाइव, इसको देखिए ऊपर अगर दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली प्लस माइनस होके माइनस का ही साइन आएगा, लेकिन आप क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। तो दोनों से माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो 36 से हो जाएगा, 36 माइनस में आ जाएगा, और 5 वन जा 5, 5 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो इसको इरेज कर दीजिए, ठीक है। तो हमारी कौन सी वैल्यू है, ये 9 वाली है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देखिए कहाँ तक हो रहा है, ये कौन सी वैल्यू है, ये माइनस में है तो माइनस में ही रखेंगे। तो यहाँ पर अब जीरो मान लेते हैं, क्यों यहाँ पर जीरो माना, क्योंकि हमको अब चाहिए माइनस में, तो माइनस वाली थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, और यहाँ पर आपका वन एंड टू मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात कितने में आ रही है आपका, 5 7 35, ठीक है। तो 7 से ज़्यादा जा रहा है, काट के अगर देख लेंगे माइनस 36 है, 5 से कर लेंगे, 5 7 35 माइनस का 7 और 1/5 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 36 है तो 1 एक पड़ रहा है, 5 7 35 एक 36/5 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 5 तक संख्या लेनी है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, तो 5 5 का डिफरेंस लेकर चल रहा है, मतलब हम यहाँ पर ले लें आपका माइनस का 1 माइनस का 2 देन माइनस का 3 देन माइनस का 4 एंड देन माइनस का 5, ठीक है, इस तरीके से लेना है। अच्छा, इधर की थोड़ी छोटी छोटी भी कर देंगे, जो रिप्रेजेंट करना है उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4 यहीं पर कर देते हैं, और इधर आपका माइनस का 5 कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, ये तरीका समझ में आ गया, माइनस के 5 तक, अब इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 4 4, मतलब बीच वाले में 1 2 3, ऐसा ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो अगला 5 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 5/5, ठीक है। इसको माइनस का 10/5 माइनस का 15/5, क्योंकि बीच में रहेंगे 1 2 3 4, और ये हमारा माइनस का 20/5 माइनस का, अच्छा और बड़ी वैल्यू बनेगी तो इसके लिए, हाँ 7 तक आएगी ना, तो थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, अभी ये लग रहा है काम इतने में नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी वैल्यू हम और बढ़ा लेते हैं इसको, ये यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। अब यहाँ पर मान लेंगे हम 0, यहाँ पर मान लेंगे 1, या फिर ऊपर ही मान लीजिए 1, यहाँ पर मान लीजिए 2, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, अब सही आएगी वैल्यू, क्योंकि अब इसको -5/5 मान सकते हैं, यहाँ पर बीच में 4, 1 2 3 4, इसको -10/5 5 2 10 हो जाएगा, -15/5 5 3 15 हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। ये माइनस का 20/5 माइनस का 30/5
और ये माइनस का 35/5, बीच में कितनी रहनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि अगली संख्या 5 होने वाली है, 1, 2, 3, 4, 5 होने वाली है, 1, 2, 3, 4, अच्छा थोड़ा माइनस हटा लीजिएगा इसमें, ज़्यादा दूर दूर कट लीजिए, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर आप देखते हैं सभी के बीच में 4, 4 आ गए, 1, 2, 3, 4, अगला 5, यहाँ पर 26, 27, 28, 29, 30 अगेन, 31, 32, 33, 34, 35 अगेन। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 36/5, क्योंकि माइनस का चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा सभी माइनस में है ना इधर वाली वैल्यू, हाँ जी हाँ, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 36/5। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा 9 था पहले का, अब 10वें में चलते हैं, थोड़ा सा अब देख लेते हैं कितना बड़ा है वो, तो ठीक है इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है चलिए इसको इरेज कर लिए। अब 10वां चलते हैं आपका, 10वें में क्या है, माइनस का 43/9, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं माइनस वाला, ये 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 और इधर 2, ठीक है। अब इधर वाली सभी माइनस में आएंगी, तो पहले इसको काट के देख लेते हैं कितना दूर तक जा रहा है ये हमारा, तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, माइनस का 43 है ना, 43 वहाँ पर भी है, हाँ ठीक है, 9 चौक 36 आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है, 4 40 3 6 आ रहे हैं, क्योंकि 13 में से अगर 6 जाएगा तो हमारा 7 आ जाएगा, और यहाँ 3 में से 3 गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से 4 3 7 बचेंगे हमारे पास, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 सही, माइनस का 4 सही, 7/9 आ जाएगा, क्योंकि यही बटेगा, 9 चौक 36 और 7 आपका हो जाएगा 43, वैल्यू यही आएगी, तो 4 हमारा आएगा, तो मतलब 4 के अधिक लाना है, काटने पर जो वैल्यू आ रही है उससे थोड़ा सा अधिक लेंगे, अधिक आने पर, अगर काटने पर कम ही आ रही है तो कम ही तक लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका क्या देख लेंगे भैया, डिनोमिनेटर, ठीक है, तो कहाँ तक लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 वाली वैल्यू आनी चाहिए, 8 बीच में, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा थोड़ा सा और गैपिंग हमें बढ़ाना पड़ जाएगा इसका, क्योंकि हमें संख्याएं अधिक लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये 9 वाले भी लिख सकते हैं, -9/9, ठीक है, यहाँ पर भी 10/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, हाँ अच्छा एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ हो गया, और यहाँ पर हमारा 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पर माइनस का 18/9, ठीक है। फिर इसके गैप में 9 त्रिक 27/9, क्योंकि 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 9 चौक 36/9, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जैसे हो जाएगा 19/9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अगला 27 है ही, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये हो ही जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ 4 बीच में हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास 37, 38 एंड अगेन 39, ऐसा लिख देते हैं, 37/9, माइनस में सभी रहेंगे, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस वाली की वैल्यू है 0 के जितना ही लेफ्ट जाएगी सब माइनस में आएगी, ये हमारा हो जाएगा 38/9, 39/9, माइनस माइनस में सभी हैं, ठीक है, ये हमारे पास 40 माइनस बाई 9, 41/9, -42/9, यहाँ पर -43/9, तो यही हमको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो ये हमारा देखिए रिप्रेजेंट हो गया माइनस का
43 बाई 9, बीच बीच में 8 8 का गैप रहेगा क्योंकि अगली संख्या आपकी 9 होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी लगे और 1 को पहले ही डिनोमिनेटर में क्यों क्लोज कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत आसानी बहुत हेल्प भी मिलेगा और इसको और छोटे रूप में भी कर सकते हैं। छोटे रूप का मतलब जैसे काट लिए, आप 4 से भी दिखा सकते हैं इसको और छोटा करने के लिए, लेकिन जिस फार्म में दिया है अगर उस फार्म में दिखाएंगे तो उसका और इफेक्ट पड़ेगा। जिस रूप में दिया है अगर उसी रूप में मतलब फार्म में दिखाएंगे तो उसका इफेक्ट और पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके पास एक दो जो है पॉजिटिव लिख सकते हैं, यहाँ माइनस वाली सभी दिखा दीजिएगा और इसके बीच बीच में ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा ताकि उनको पता चले कि हाँ एग्जैक्ट आपको पता है वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं, ठीक है आइए इसको हम थोड़ा आप कर दे रहे हैं इरेज। ठीक हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गया है, विच आर द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर में से ये जो दो रेशनल नंबर दिए हैं इन पेयर में से कौन सा ग्रेटर है, मतलब कौन सा बड़ा है। अब बड़े वाली बात आ जाती है, तो सबसे पहले आप देखिए डायरेक्टली आप करना सिखा देते हैं आपको। ये हमारे पास जीरो है, यहाँ से जितनी भी संख्या जाएगी वो सब पॉजिटिव में होगी और इधर जितनी भी संख्या आएगी सब निगेटिव होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जीरो बड़ा या पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर तो इसका मतलब हम पहले यहीं पर डिसाइड कर दे रहे हैं कि हमारा यही बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखें माइनस थ्री बाई फाइव आर जीरो, तो जीरो जानते हैं आपका बड़ा होगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर हम साइन लगाते जाते हैं, ठीक है सिक्स बाई है, फाइव बाई सिक्स, तो यहाँ पर ऐसा कर दीजिए आप पहले वाले में फाइव बाई जो सिक्स होगा उसको लिखते जाते हैं, यही हमारा बड़ा होगा। ठीक है इस केस में अब माइनस थ्री बाई फाइव है तो ये माइनस में आएगा इस तरफ, यानी जीरो से ये छोटा होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जीरो अब बड़ा होगा। ठीक है जीरो अब हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए इस केस में हमारा जीरो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, फाइव बाई एट या थ्री बाई एट। तो थर्ड में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे, क्या रहे, जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वैल्यू रहेगा वही बड़ी होगी। तो ये देख लेते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में फाइव बड़ा है, तो इसका मतलब फाइव बाई एट हमारा बड़ा हो जाएगा। फाइव बाई एट हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है तो अगर साइन लगाना चाहें तो डायरेक्टली साइन लगाते जाइए आप। अच्छा पहले में से हम जैसे साइन लगाते जाते हैं आपका फाइव बाई सिक्स आर जीरो, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, माइनस थ्री बाई फाइव आर जीरो, तो जीरो हमारा बड़ा होगा, इसको भी हटा देते हैं। फाइव बाई एट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बनाते जाते हैं आपका फाइव बाई एट, उसके बाद थ्री बाई एट। तो इसमें बताए हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो न्यूमरेटर में देखना है जो ग्रेटर रहेगा वही सबसे ग्रेटर रहेगा, तो 5 बाई एट आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है और जो माइनस वाली है, माइनस वाली वैल्यू से हमेशा प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी और जीरो से भी प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो इसमें देखने वाली सुनने वाली कहने वाली कुछ बात ही नहीं है। 7 बाई 9 और इधर माइनस का 5 बाई 9, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो प्लस वाली है वो बड़ी होगी, खत्म। लेकिन अब चेक करना है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू छोटी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 6 बाई 11 है और यहाँ पर है आपका 5 बाई माइनस का। अब दोनों वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम कि इनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर लेते हैं, माइनस 1 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। तो यहाँ पर 6 बाई माइनस का 6 बाई 11 आ ही जाएगा, अगेन माइनस का 5 बाई, क्योंकि 5 बन जा 5 प्लस माइनस होके माइनस, और 11 बन जाओ 11 और प्लस होके जाएगा। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, अब डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, लेकिन अब यहाँ माइनस के केस में आपको क्या करना है कि जो वैल्यू जितनी ही बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। माइनस के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा जो वैल्यू जितनी ही बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पर ये माइनस का 6 है तो इसका मतलब इसमें बड़ा कौन हो जाएगा हमारा, माइनस का 5 बाई 11, माइनस का 5 बाई 11 आपका बड़ा हो जाएगा, यानी 5 बाई माइनस का 11 आपका बड़ा है। ठीक है अब अगेन क्या करना है आपको, ये चेक करना है माइनस 15 बाई 4 बड़ा है या फिर माइनस का 17 बाई 4। अब तो नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं कि नहीं,
देखिए यहाँ पर माइनस का 15 बाई 4 है, माइनस का 17 बाई 4 है, तो यहाँ पर जो जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, और जो जितनी ही छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, तो माइनस का 15 बाई 4 आपका बड़ा हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर दर्शा देते हैं, माइनस का 15 बाई 4 इधर है बीच में बॉक्स, एंड माइनस का 17 बाई 4 है, तो माइनस का 15 बाई 4 आपका बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया माइनस के केस में जो वैल्यू जितनी ही बड़ी रहेगी उतनी ही छोटी रहेगी, और जितनी ही जो छोटी रहेगी उतनी ही वो बड़ी। इसमें क्या है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर। ये जो पेयर दिया गया है दो रेशनल नंबर का, इसमें बताना है कि कौन सा आपका बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको जानने के लिए आप पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, 5/9 है, अगेन क्या है माइनस का 3/ माइनस का 8 है। देखिए जो ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह माइनस रहे तो वो वैल्यू आपकी प्लस में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आप काट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगी प्लस में। ठीक है, ये वैल्यू किस में हो जाएगी प्लस में। अब इसका क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9। एक मिनट, जो न्यूमरेटर में करेंगे उसी का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर लेंगे। ठीक, कहानी खत्म हुई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एलसीएम सेम लेना है, 8 एंड 9 का लेंगे तो 9 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 8 40 हो जाएगा हमारे पास, और 9 8 72, 9 3 27, 9 8 72। तो हमारा लग रहा है जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी होगी न्यूमरेटर की भी बड़ी होगी, तो इसका मतलब हमारा 40/72 बड़ा है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब सेकेंड का देखते हैं क्या है, सेकेंड में है आपका 4/-3 एंड -8/7। अब देखिए सबसे पहले इसमें एक काम कर सकते हैं आप, कि ये जो न्यूमरेटर है ये माइनस में है, सॉरी डिनोमिनेटर है, या जो -3 डिनोमिनेटर है माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे दोनों तरफ, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा हमारा 4 बन जाए, 4 माइनस का 4 बन जाओ 4, क्योंकि प्लस माइनस होकर माइनस, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 बन जा 3। तो दोनों अब आपके क्या होंगे प्लस में हो गए, तो ये माइनस का 8 है। तो यहाँ पर अब देखिए ऑलरेडी वैल्यू किस में दिया था, 4/-3 और -8/7 में। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करेंगे, अब नॉर्मल तरीका है कि दोनों ही माइनस में है तो इनमें जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 3 यहाँ भी 7, तो 7 × 28 हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस में 7 × 3 = 21। ठीक है, 8 × 3 = 24 माइनस में, और 7 × 3 = 21। तो देखिए जो माइनस में जितना ही बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, वो जो माइनस में जितना ही बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा, और माइनस में जितना ही जो छोटा होगा उतना ही वो बड़ा होगा। समझ में आई, जो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा। तो देखिए यहाँ पर माइनस में ये छोटा है आपका -24/21, तो इसका मतलब यही बड़ा है, -28/21 छोटा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किस में आई है आपकी 24/, तो 8/7 में, -8/7, तो इसका मतलब -8/7 आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो लिखने के लिए यहाँ भी आप लिख सकते हैं वैसा 4/-3 -8/7 इज ग्रेटर देन 4/-3। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, -8/7। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं 7 4 जा आपका 28 आ रहा है माइनस का, तो माइनस का 28 आपका बड़ा है, तो इतना ही वो छोटा हो जाएगा। तो फाइनल इसको कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, सेकेंड, आइए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं थर्ड में, थर्ड में आपका क्या कहा है, -12/5 एंड -3 है, माइनस को 3/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई फाइव, तो 5 × 3 = 15/5 ही हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पर जो वैल्यू जितनी बड़ी उतनी छोटी, तो जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, तो ये जितनी छोटी उतनी बड़ी, तो इसका मतलब माइनस का 12/5 आपका बड़ा है किससे, -3 से। तो ऐसा भी कर सकते हैं, -12/5 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो ये भी वैल्यू हो गई आपकी, चलिए इसको हटाते हैं। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, 7/-9, यहाँ पर -5/8 है। ठीक है, इसको क्या काम करते हैं, सबसे पहला जो कंडीशन बताया है कि डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव में कर लेते हैं,
तो पॉजिटिव में करने के लिए मल्टीप्लाई माइनस वन, अगेन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो सेवन वन जा सेवन माइनस का आ जाएगा बाई नाइन वन जा नाइन प्लस माइनस माइनस होके प्लस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का फाइव बाई एट। इसको क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, नाइन का मल्टीप्लाई एट में यहाँ भी और यहाँ एट में मल्टीप्लाई नाइन का, तो हो जाएगा मेरा नौ अठे बहत्तर माइनस का सॉरी 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 आठ सत्तर छप्पन माइनस का हो जाएगा और नौ अठे बहत्तर नीचे रहेगा ही डिनोमिनेटर में, नौ पच्चे पैंतालीस माइनस का और नौ अठे बहत्तर। हमने अभी अभी क्या बताया था कि जो वैल्यू जितनी ही छोटी रहेगी उतनी ही बड़ी रहेगी और जो वैल्यू जितनी ही बड़ी रहेगी उतनी ही छोटी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माइनस का 45 बाई 72 आपका छोटा है, इसका मतलब यही सबसे बड़ा है, ये केवल माइनस के केस में है, अदरवाइज प्लस के केस में है, तो जितना बड़ा उतना बड़ा, जितना छोटा उतना छोटा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये कौन सा था हमारा फोर्थ। अब चलते हैं आपके फाइव में, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, फाइव में चलते हैं। फाइव में क्या है आपका, जैसे हम यहीं पर देख लेते हैं, फोर बाई माइनस का फाइव है और माइनस का सेवन बाई एट है। अब क्या है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको पहले प्लस में कर लेते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई या माइनस वन से, तो फोर वन जा फोर माइनस का आ जाएगा, फाइव वन जा फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का सेवन बाई एट है तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई एट, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई एट हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है ऑलरेडी। तो देखिए आठ चौक बत्तीस हो जाएगा माइनस में ये, और आठ पंच चालीस, सात पच्चे पैंतीस माइनस में आठ पंच चालीस, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, जो जितनी छोटी उतनी बड़ी, तो माइनस का 32 बाई 40 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब वैल्यू कौन सा बड़ा है, 4 बाई माइनस का 5, 4 बाई माइनस का 5 ये है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं 4 बाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 7 बाई 8। अब आते हैं 6 में, 6 वाला नॉर्मल है, इसको क्या करते हैं, 9 बाई माइनस का 13 है और यहाँ पर 7 बाई माइनस का 12 है। देखिए इनको क्या करते हैं, दोनों ही वैल्यू माइनस में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली भी पहचान सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। इससे पहले क्या काम करते हैं, जो वे है जिस रास्ते से आप लगाते आए हैं उस रास्ते से लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस में कर लेते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस वन से, इसमें भी माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस, तो नाइन वन जा नाइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर 13 प्लस में प्लस माइनस माइनस, सेवन वन जा सेवन माइनस में और 12 वन जा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। अब इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 13 से, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 12 से, तो 12 नवैया 108 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा आपका, और 13 दुना, अच्छा 13 का गुणा 12 में करना है, 13 दुना 26 के 6 हाथ में लगा दो, 13 एक कम 13 और दो 15 हो जाएगा, तो 156 आपका आ जाएगा, प्लस में अगेन 7 तरीके 21 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 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 13 सते 91 ना, 13 सते 91 माइनस किया जाएगा क्योंकि 13 है 3 नहीं है, अब यहाँ पर फिर करेंगे तो 156 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 13 गुणे 12, तो 12 3 36 के 6 हाथ में लगा 3, 12 1 का 12 3 15, 156 लास्ट में आएगा ही। अब इसमें देखते हैं, जो जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही छोटी और जितनी ही छोटी उतनी ही बड़ी, क्लियर। तो यहाँ पर माइनस का 91 बाई 156 आपका क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसकी है, ये बात आपको ध्यान देना है, तो माइनस का 7 बाई 12, 13 सते 91 12 9 108, ये आपका 13 सते 91 जो है ये माइनस का 7 बाई 12 यही बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब 60 में आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9 बाई माइनस 3 इज लेस देन 7 बाई माइनस 12, जो 9 बाई माइनस 3 है ये छोटा है 7 बाई माइनस 12 से। बात क्लियर हो गई कि कौन सी वैल्यू छोटा है कौन सी वैल्यू बड़ा है, इसको चेक करने का तरीका भी पता चल गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस देन इक्वल एंड मोर देन, समझ में आई कहानी।
तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें पता करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। माइनस 3/7 है, यहाँ पर ऑलरेडी 6/-13 है। अब देखिए इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से आप बड़े छोटे का पहचान करते हैं वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें अगर आप डायरेक्ट करके दिखाते हैं, इसका मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 * 39 13 - 13 का मल्टीप्लाई -3 में इक्वल कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 7 * 6 = 42 हो जाएगा और 13 * 39 बड़ा कौन हो रहा है 42, तो ये आपका 6 - 13 आपका बड़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए एक तरीका। अब दूसरे तरीके से इसको चेक करने के लिए -3/7 and 6 - 13, तो जो माइनस में है उसको प्लस में कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को -1 * -1 -3/7 - 6 - -13, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 13 * 39 माइनस का आ जाएगा आपके पास, क्योंकि प्लस माइनस हो के मारे माइनस, और 7 * 42 ये भी माइनस में आ गया। चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है इस केस में आपका। अच्छा देखिए डायरेक्टली ऐसा चेक करेंगे तो आपका गलत आंसर आया, ऐसा चेक करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, तो इस तरीके से ना चेक करके आप डायरेक्टली इस तरीके से चेक करिएगा, क्योंकि एक वैल्यू जो दोनों ही वैल्यू माइनस में है, ये बात आपको करेक्ट पता होनी चाहिए कि दोनों ही वैल्यू माइनस में है और आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इस तरीके से ना चेक करके आप इस तरीके से चेक करिएगा, इस तरीके से नहीं चेक करके आप इस तरीके से चेक करिएगा। और इसमें सबसे अच्छा काम ये है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं, -3/7 है, 6 - -13 है, -1 * -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/7 और ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा -6/13। इनका डिनोमिनेटर क्या करते हैं सेम कर लेते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो -3/13, 13, 7, 7, तो 13 * 39 हमारा हो जाएगा माइनस का, और 13 * 91 और 7 * 42 हो जाएगा माइनस का, और 13 * 91। नीचे के जब वैल्यू आपके इक्वल हो जाए, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए, तो ऊपर वाली जो जितनी बड़ी, अच्छा माइनस के केस में जो जितना बड़ा उतना ही छोटा, ठीक है, और जो जितना छोटा उतना ही बड़ा, तो 13 * 39, 7 * 42, तो इसका मतलब आपका कौन सा वैल्यू बड़ा हो जाएगा और कौन सी वैल्यू आपकी, ऐसा कह सकते हैं आप कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है, तो बड़ी वाली वैल्यू आप देखते हैं जितना ही छोटे वाले, तो इसका मतलब 39/91 इज मोर देन -42/91, ठीक है। तो अगले में चलते हैं अब, कि डायरेक्टली पहचानना भी है हमको बताना भी है आपको। देखिए सेकेंड में चलते हैं, 5/-13 -30/35/91, इसमें चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी, तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए क्योंकि दोनों ही माइनस में हैं, तो 5 * 5 और 5 * 9 = 45, 5 * 9 = 45, 13 * 5 = 65 के 5 हाथ में लगे 6 आपके, और 13 * 3 = 39 और 6 = 45, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं इक्वल का साइन लगा सकते हैं सेकेंड वाले में, ठीक है, सेकेंड वाला इक्वल का साइन हो जाएगा। थर्ड वाले में आते हैं, माइनस का 2/1 यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस का 13/5 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 5 करवा दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर 5, तो 5 * 2 = 10, ठीक है, 5 * 5 माइनस करेगा, माइनस का 13/5 कौन सा बड़ा है ऑलरेडी पता ही चल रहा है कि जो वैल्यू जितनी ही छोटी उतनी ही बड़ी, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, माइनस का 10/5, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करना है आपको ये बड़ा है या छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में -2/3 है एंड 5/-8 है। देखिए अब क्या करते हैं, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए नॉर्मल तरीका है कि जो इनका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, -1 - 1, ठीक है, तो -2/3 ऑलरेडी आ जाएगा,
फाइव बन जाए, फाइव माइनस में आ जाएगा एट, बन जाए एट प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जब पॉजिटिव हो गया तो इनको सेम कर लेते हैं, मतलब इक्वल या एलसीएम लेते हैं, तो एट का मल्टीप्लाई थ्री में, अगेन थ्री का मल्टीप्लाई सभी भी कर देंगे इसमें भी, क्योंकि एट थ्री जा 24, एट थ्री जा 24, यहाँ पर एट सिक्स जा आपका हो जाएगा माइनस में, और आठ तरीक 24, पाँच तिहाई 15 माइनस में, और आठ तरीक 24। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी हो जा रही है आपका, इसमें देखिए जो 5 बाई माइनस का 8 है ये बड़ा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, छोटी है, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी उतनी ही बड़ी, तो आपका ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 15/24 यानी आपका ऐसा कह सकते हैं माइनस का 2/3 में 5/-8 बड़ा है, ठीक। तो ऐसा कह सकते हैं 5/-8 इज ग्रेटर देन -2/3, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं, इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। जीरो है, यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं, माइनस का 3/5 माइनस का है, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाली वैल्यू ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, तो 3/5 आपका इससे बड़ा है। आइए अगला देख लेते हैं, माइनस का 8/9 बॉक्स, माइनस का 9/10, ये हो जाएगा हमारा 8 × 80 माइनस का, और 9 × 81। तो देख रहे हैं कि जो ज़्यादा छोटी होगी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो वो छोटी वाली बड़ी होगी, तो इसका मतलब माइनस का 8/9 हमारा बड़ा है किससे, 9/10 से, ये वैल्यू माइनस का 8/9 बड़ा है माइनस के 9/10 से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको छूटा तो रहिए ना, फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है एकदम विधिवत आपको समझ में आया होगा, सारे के सारे कंटेंट अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।